बिहार में नीतीश कुमार ने बड़ा खेला कर दिया। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर हाथ मिला लिया आरजेडी के साथ और सरकार बना ली, मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और सत्ता से बेदखल भारतीय जनता पार्टी को कर दिया। जहां एक तरफ भाजपा के तमाम नेता नीतीश कुमार को धोखेबाज कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लिहाज से तगड़ा झटका देने के लिए रणनीति तैयार कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है और साफ साफ कह दिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीतने से रोकना है। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब नीतीश कुमार को सीधे सीधे रिपीट नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने से रोकना है। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तेजस्वी यादव के साथ मिलकर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी उन पर सवाल दाग सकती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया है कि 15 अगस्त के बाद महागठबंधन सरकार का मंत्री परिषद विस्तार होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।